हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शबानाज कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन प्याजा। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, 250 ग्राम प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 100 ग्राम, काजू किशमिश का पेस्ट 100 ग्राम, मखाना 1 कप, किशमिश 25 ग्राम, दही 100 ग्राम, 1 गिलास दूध, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री, तेल, लाल मिर्च पाउडर, 2 सूखी मिर्च, घी और नमक। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालकर मखाने को तलेंगे। मखाना हमें ज्यादा नहीं तलना है। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल दें। अब तेल में लौंग, इलायची, दालचीनी और जावित्री डालें। इसके बाद चिकन को डाल दें। चिकन हमें पानी सूखने तक तलना है। देखिए चिकन का पानी अब सूख चुका है। अब उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, दही डालें, नमक डालें। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह चला लें। चिकन को 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें प्याज को 2 हिस्सों में काटकर डालेंगे। मैंने यहाँ प्याज छोटे यूज किए हैं, आप भी छोटे प्याज ही यूज करें। मखाना को डाल दें। किशमिश डालें और अच्छी तरह मिला लें और हम इसे फिर ढककर 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है, प्याज भी गल चुके हैं। अब इसमें काजू किशमिश का पेस्ट डाल दें, 1 गिलास दूध, अब इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। चिकन प्याजा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। एक पैन में घी डालकर 2 सूखी मिर्च डालें। अब तड़के को चिकन प्याजा में डाल दें। आप इसे पूरी और पराठे के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।